नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा मंडी में हुए अरहर घोटाला मामले में पूर्व मंडी सचिव गाडरवारा और दादा दरबार कंपनी के सीईओ के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। वर्ष 2015-16 में अरहर खरीदी के मामले में किसानों से कम दामों में अरहर खरीदकर कंपनी से मिली भगत करते हुए कंपनी के माध्यम से सरकार को महंगे दामों पर अरहर बेची गई थी। यह मामला नरसिंहपुर जिला पंचायत अध्यक्ष संदीप पटेल द्वारा उठाया था, जिसकी 8 सदस्यीय जांच टीम ने जांच की और संबंधितों के खिलाफ FRI दर्ज करवाने के आदेश दिए। दो जो समितियां थी, एक दादा दरबार और एक चीचली थी, इन लोगों ने अपने सीधा माल बिचौलियों के माध्यम से खरीदा था, जिससे किसानों को नुकसान हुआ था। वास्तव में उस समय रेट अनाज के मंडी में ज़्यादा थे, इन लोगों ने कम दाम पर रेट खरीदे और फिर उसको ज़्यादा दाम पर, मतलब इनने उन कंपनियों के माध्यम से, उसमें बहुत से लोगों की, कुछ स्थानीय दलाल, कुछ व्यापारी, सारे लोग उन्होंने मिलजुल के ये किसानों के साथ धोखाधड़ी की थी। ये 2015-2016 में जो कृषि उपज मंडी गाडरवारा में राहत खरीदी गई थी, उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई थी। इसकी शिकायत होने पर अपर कलेक्टर श्री लकड़ा जी के नेतृत्व में 7-8 अधिकारियों की टीम गठित की गई थी, जिनके द्वारा उसकी जांच की गई थी। उनके जांच प्रतिवेदन के आधार पर परसों थाना गाडरवारा में 420 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। नरसिंहपुर से संजीव पटेल की रिपोर्ट।